हेलो एवरीवन, आज हम फेस लिफ्टिंग मसाज करेंगे जिसे हमें रोज करना चाहिए। 5 से 7 मिनट अगर हम रोज ये मसाज करते हैं तो हमारी स्किन हमेशा खूबसूरत और जवान रहती है। मेरी स्किन को इस 1.5 साल में इतना फर्क पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, जिसमें सबसे ज़्यादा फेस मसाज, फेस योगा और कुछ जो मैं पैक्स वगैरह लगाते रहती हूँ। आपको और कोई भी ज़्यादा क्रीम सॉरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होममेड क्रीम अगर वो सब लोगे तो ही ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे। हमें फेस लिफ्टिंग मसाज के लिए कोई ऑयल लेना है। मैं यहाँ ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। वैसे फेस लिफ्टिंग मसाज की बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं पूरे स्टेप्स तो यहाँ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर हमें रोज़ करनी है तो सिर्फ 5 से 7 मिनट ही करनी है। हम इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं या फिर 1 बार भी कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले भी इसे करें। अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो सिर्फ एलोवेरा जेल से भी कर सकते हैं या अपने मॉइस्चराइजर से। अगर ड्राई स्किन है तो कोई भी ऑयल लें। अगर नॉर्मल स्किन है तो ऑयल और उसमें एलोवेरा जेल थोड़ी सी मिला लेंगे तो भी ठीक है। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। इसे थोड़ा सा इसे अपने हाथों में रब करें। और फिर इस ऑयल को पूरे चेहरे पर लगाऊंगी। उससे ना ही सिर्फ चेहरा टाइट होता है बल्कि बहुत ही अच्छा ग्लो भी हमेशा रहता है हमारे चेहरे पर। पहले चेहरे को अच्छी तरह से ऑयल लगा लें। और जब भी हमें फेस लिफ्टिंग मसाज करनी है तो या नीचे से ऊपर जाना है या अंदर से बाहर जाना है। जैसे अब गले की है, वैसे मैंने प्रॉपर सिर्फ नेक मसाज के ऊपर भी वीडियो बनाया है, जब मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और प्रॉपर हर एक फेस के हर एक पार्ट के लिए अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। हम आज सिर्फ 3-3 बार करेंगे। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। वैसे हम ज्यादा बार भी कर सकते हैं। आंखों के आसपास कभी भी इसी उंगली से करनी चाहिए। मैंने हर स्टेप अभी 3-3 बार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? एक, दो। जब ऊपर जाना हो तो हमें थोड़ा सा प्रेशर देना है, पर जब नीचे आना है तो बिल्कुल हल्का हाथ लेना है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, ऐसे काफी स्टेप्स हैं यहाँ के लिए। यहाँ तक जाएंगे तो
इसका दिखा रही हूँ मैं, ये पूरे चेहरे के लिए है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर ऐसे नीचे बिल्कुल धीरे से आएंगे, एक दो तीन। और अब क्या करेंगे, जिनके बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है वो इसे थोड़ा सा गर्म पानी से धो लें, और जिनकी ड्राई स्किन है वो या तो टिश्यू से पूछ लें, या फिर एक कोई थोड़ी सी एक बर्फ़ हो वो अपने चेहरे पर घुमा लें, या फिर बर्फ़ के पानी में एक कपड़ा डालकर उसे अपने चेहरे पर रखें, और जब तक वो कपड़ा थोड़ा सा गर्म हो जाए तब तक उसे अपने चेहरे पर रखें। मैं वैसे थोड़ी सी ककड़े की बर्फ़, मैं आपको समझ से तो मैं क्या करती हूँ, समझ में चिपचिपाहट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर ये मसाज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं पहले पूरा टिश्यू से चेहरा पूछ लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरा निकल जाता है। चेहरे पे एक बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, हमें हमेशा खूबसूरत और जान दिखना है तो ये मसाज 5 से 7 मिनट रोज की 2 टाइम भी करें या 1 टाइम जरूर करें। और उसके बाद अब क्या करती हूँ मैं, ये ककड़े की बर्फ मैं हमेशा ही अपने फ्रिज में रखती हूँ इस सीजन में, या फिर नॉर्मल बर्फ, और फिर बर्फ हमारे एक्स्ट्रा ऑयल को पूरा खींच लेगी और बहुत अच्छा ग्लो भी देगी। या तो फिर आप कुछ टुकड़े बर्फ के ले लें, उसमें एक कपड़ा डालें, पानी डाल के थोड़ा सा, और उसे अपने चेहरे पर रखें तो पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। हमारे आँखों के आसपास भी पफिनेस होती है, वो भी इससे कम होती है। मेरे आँखों के आसपास भी पफिनेस है, पर वो हमारे घर की थोड़ी हेरिडिटी भी है। अब हम क्या करेंगे, बर्फ घुमाने के बाद, वैसे तो हम चेहरा ऐसे भी रख सकते हैं, पर अगर पोंछ लेंगे, धोएंगे नहीं सिर्फ पोंछ लेंगे, तो पूरा वो एक्स्ट्रा ऑयल पूरा चला जाएगा और एक बहुत ही प्यारा ग्लो भी आएगा। सूखे कपड़े से पूछ रही हूँ मैं, अब चेहरा बिल्कुल ऑयली नहीं दिखेगा। इसके बाद ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लेंगे समर्स में, वैसे मैं हेयर जेल लगा लेती हूँ या कोई भी मॉइस्चराइजर भी लगा लेती हूँ। अब हमारे चेहरे पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, अब देख सकते हैं कोई भी चिपचिपापन मेरे चेहरे पर नहीं दिख रहा है, और चेहरा बहुत ही अच्छा शाइनी भी दिख रहा है। अब आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाना चाहें, अगर ऑयली स्किन है तो सनस्क्रीन लगा लें। अगर हम ये मसाज रोज करेंगे तो हमारे चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1.5 साल से मैं इसे कर रही हूँ और मेरे चेहरे को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो ये आप जरूर ट्राई करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।